Hey guys, welcome back to my channel. Today's video is also going to be a highest versus lowest price product video from Meesho. So without any further ado, let's start. ये है मेरी दोनों कुर्ती, दोनों का डिजाइन बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन कलर मैंने दोनों अलग ऑर्डर किया है। ये है रेड कलर का और ये पिंक कलर। सो गाइज, ये है मेरी पहली कुर्ती, इसका प्राइस है 501 रुपीज। इसकी जो इमेज है मीशो में, मुझे वैसा ही सेम टू सेम रिसीव नहीं हुआ है। इसकी प्रिंटिंग जो है कुछ अलग है इमेज से, बाकी का सेम टू सेम है। और ये है एक थ्री सेट कुर्ता है। चलिए इसकी एक एक पार्ट को एक एक करके देख लेते हैं। इसका फ्रंट का जो प्रिंट है, बैक में भी बिल्कुल सेम टू सेम प्रिंट है। और इसके नेक में गोटा पट्टी का काम है। और इसका मटेरियल रेयन का है, काफ़ी सॉफ्ट है कुर्ती। लेकिन यहाँ पे जो प्रिंटिंग है, ये फ्रॉयल प्रिंटिंग है। और इसको मैंने एम साइज़ में ऑर्डर किया था, क्योंकि एस साइज मुझे अवेलेबल नहीं मिला, तो मैंने इसको एम साइज़ में ऑर्डर कर दिया। आप इसकी बैक साइड को देख सकते हैं, इसके अंदर कोई भी लाइनिंग नहीं है, लेकिन आप इसको आराम से पहन सकते हैं। तो ये थी मेरी कुर्ती, आप इसके स्कर्ट को देख लेते हैं। और ये है इसकी स्कर्ट। इसकी लेंथ तो काफ़ी अच्छी है, ठीक ठाक ही है एम साइज़ के अकॉर्डिंग। और इसकी जो फ्लेयर है वो काफ़ी कम है, पिक्चर में जो दिखाया गया है उतना फ्लेयर तो नहीं है। बाकी प्रिंटिंग बहुत ही अच्छे हैं। ये स्कर्ट का जो मटेरियल है, ये भी काफ़ी सॉफ्ट है, और आप इसको आराम से पहन सकते हैं समर में भी। अब इसकी दुपट्टे को देख लेते हैं। और गाइज, ये है इसकी दुपट्टा। दुपट्टा और भी ज़्यादा सॉफ्ट है स्कर्ट और कुर्ती के अकॉर्डिंग, दुपट्टा और भी ज़्यादा सॉफ्ट है। और ये थोड़ा सा थिन भी है, पूरी दुपट्टे में प्रिंट है और ये काफ़ी सॉफ्ट है। मुझे इस पूरी कुर्ती के सिर बहुत ही अच्छी लगी। आप इसकी हाईएस्ट प्राइस वाली कुर्ती को भी देख लेते हैं। और मेरी दूसरी कुर्ती है, ये है पिंक कलर में, और इसका प्राइस है सबसे ज़्यादा इस दोनों में से। इसका प्राइस है 1022 रुपीज़, जो कि काफ़ी ज़्यादा है पहले वाले से। और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और हाँ, दोनों की मटेरियल जो है ड्रेस की, वो है रेयन का। और ये भी थ्री सेट ही है। इसको मैंने पिंक कलर में ऑर्डर किया था, जो कि मैंने जो पिंक कलर ऑर्डर किया था, मुझे सेम टू सेम वैसे रिसीव नहीं हुआ है। इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट है। और ये भी थ्री पीस का ही सेट है। इसके साथ इमेज में है एक कुर्ती, एक दुपट्टा और एक स्कर्ट, लेकिन यहाँ पे मुझे रिसीव हुआ है सिर्फ एक कुर्ती, दुपट्टा और एक शरारा पैंट। चलिए मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ। पहले इस कुर्ती को देख लेते हैं। सो गाइज, ये है इसकी कुर्ती। इसका भी फ्रंट का और बैक का प्रिंट बिल्कुल सेम टू सेम है। इसका भी स्लीव 3/4 का है, और इसके नेक पे भी गोटा पट्टी का काम है। और इसको मैंने XXL साइज़ में ऑर्डर किया, क्योंकि मुझे इसके नीचे का जो साइज़ है वो नहीं मिला, सो मैंने इसको बस देखने के लिए XXL साइज़ में ही ऑर्डर कर दिया। लेकिन इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, पहले वाले से थोड़ा ज़्यादा ही सॉफ्ट सा है इसका मटेरियल। और इसका जो प्रिंटिंग है, ये रियल प्रिंट है, इसके ऊपर कोई भी फॉयल प्रिंट नहीं है जो पहले वाले में था। और इसकी जो प्रिंटिंग है कुर्ते में, बिल्कुल सेम टू सेम इमेज का ही प्रिंट है। लेकिन इसकी जो स्कर्ट है, वो स्कर्ट नहीं आया, सिर्फ एक सरारा पैंट ही आ गया, जो कि डिफरेंट है इमेज से। बाकी कुर्ती बिल्कुल सेम टू सेम है जो इमेज का है। अब इसकी पैंट को देख लेते हैं। तो गाइज, आप देख सकते हैं पैंट भी पूरा प्रिंटिंग में है, एकदम ऊपर से नीचे तक। ये एक सरारा पैंट है, ये भी कॉटन में ही है। और हाँ, इसका जो मेंशन है मीशो में कि इसका मटेरियल है रेयन का, लेकिन मुझे ये बिल्कुल प्योर कॉटन लग रही है, जो कि समर के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इसको आप एक बार वॉश करके पहनेंगे तो आप समझ जाएंगे आप क्या पहन लिया। बहुत ही अच्छे है इसकी क्वालिटी। स्कर्ट की जगह पैंट है, लेकिन पैंट की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, इसलिए मैं इसको रख लूँगी। थोड़ा सा चेंज आ गया है, स्कर्ट नहीं है इसके साथ, पैंट है। और इसकी दुपट्टा भी काफ़ी सॉफ्ट है, दुपट्टे में भी पूरी प्रिंटिंग है। प्रिंटिंग इसके भी काफ़ी अच्छी है, समर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है ये कुर्ती का सेट। मुझे तो ये बहुत ही पसंद है, पहले वाले भी और ये वाले भी, बट इसका प्राइस थोड़ा सा हाई है। और इसकी दुपट्टा को लेके एक प्रॉब्लम है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में, यहाँ पे एक बॉर्डर है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया। यहाँ पे तो इंटरलॉक भी नहीं है, सिर्फ कट करके दे दिया। तो
इतना प्राइस लेने के बाद भी इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं है। बाकी क्वालिटी की अगर बात किया जाए तो क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, आप चाहे तो इसको परचेस कर सकते हैं, मैं कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और हाँ, उस रेड वाले कुर्ती के अंदर भी इनर नहीं था और इस पिंक वाले कुर्ती के अंदर भी इनर नहीं है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसको आराम से ऐसे ही पहन सकते हैं इनर के वगैरह भी। तो मुझे ये कुर्ता भी बहुत पसंद है, बस इसका प्राइस थोड़ा सा हाई है और मैच नहीं किया, इसकी स्कर्ट नहीं है, पैंट आ गया, दुपट्टा को लेकर भी एक प्रॉब्लम है कि बॉर्डर नहीं है। इमेज में जो दिख रहा है अगर वैसे ही आ जाते तो और भी अच्छा होता, बट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। तो मुझे दोनों ही कुर्ती बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गए, अगर आप दोनों को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बट क्वालिटी की अगर आप बात करें तो ये 122 रुपीज़ का जो पिंक कलर का मैंने लिया है उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसके साथ स्कर्ट नहीं है। अगर आपको स्कर्ट चाहिए तो आप वो रेड कलर का ही ले सकते हैं। और हाँ, ये 501 रुपीज़ और 1022 रुपीज़ को छोड़ के और भी बहुत सारे सिलाई के पास है, मैंने बस जो सबसे कम दाम में बेच रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा दाम में बेच रहे हैं, दोनों को पिक करके बस आपको कंपैरिजन दिखा दिया। और अगर आप चाहें तो और भी सेलर्स हैं, उनके पास से भी ले सकते हैं। सो गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी मदद मिली या फिर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, प्लीज़ कर दीजिए। और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।